आज ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक सेलिब्रेशन था और जैसे बाकी स्टेट्स में था इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मनाया गया और सोसन हमारे रजौरी में यहाँ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में और कोऑपरेटिव साइड के मेंबर्स जो थे इन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। इस ज़िले के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। यहाँ का यूथ, यहाँ का जो महिलाएँ हैं और जो गरीब तबका है, इसका थीम ही इस बार का ये है कि इन तीन ग्रुप को टारगेट करना है। इस ज़िले के अंदर पहले ही काम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो डेयरी में, हॉर्टिकल्चर में, आपका जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम है यहाँ का, और एग्री प्रोडक्ट्स जो भी एग्रीकल्चर के हैं, चाहे सब्जियां हैं, सैफरान है, वॉलनट है, या और भी यहाँ पैडी कल्टीवेशन है, मेज कल्टीवेशन है, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ बने। और मैंने आज यहाँ टारगेट दिया है जो भी मेंबर साहिबान यहाँ आए थे कि अगली बार जब हम मिले तो यहाँ हम तीनों ग्रुप में से जो हमारे यूथ हैं, महिलाएँ हैं या गरीब तबका है, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ जोड़ें और इस ज़िले को मॉडल बनाएं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ दोबारा से शुरू करें और यहाँ रिजुविनेट करें कोऑपरेटिव मूवमेंट को, ताकि हर किसी को एक अच्छी लाइफ जो है वो जीने का मौका मिले, हर किसी की आमदन मिले। और जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो बीच में दलाल होते हैं जिसको हम बोलते हैं, या बाकी लोग कमीशन एजेंट्स होते हैं, उनको रिड्यूस किया जाए। जो प्रोड्यूसर है, जो मेहनत करने वाला है, पैसा उसको मिले, ना कि बिचौलियों को मिले। और हर किसी को कोऑपरेटिव मूवमेंट को जुड़ने के लिए एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मौका मिले। लेकिन साथ में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिफंक्ट हुई है, जो लोगों ने खा पी के और करप्ट से नल्ज करके, इसके लिए भी एक कोऑपरेटिव का ऑडिट हो। और जो भी इनके एसेट्स हैं, मैंने डिप्टी जनरल कोऑपरेटिव को यह कहा है कि आप उनको आइडेंटिफाई करो, और ज़िला इंतजामिया पूरी कोशिश करेगी कि अनऑथराइज लोग जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के एसेट्स को अपने अनऑथराइज पोजीशन में रखा है, उनको हम खाली कराएंगे। बहुत सी जमीनें सर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज गुरु नानक पातशाह के प्रकाश पुरब, जो कि सारे विश्व के अंदर बड़ी ही धूमधाम के नाल मनाए गए हैं, तो इस तरह डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने भी इत्थे दी जो संगतां ने उन्हां दे सहयोग के नाल यह प्रोग्राम आर्गनाइज़ किए। डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट कमिश्नर पुंछ ने कुछ समा पहला एक मीटिंग बुला के, जिथे विच सारे धर्मां दे आगू जिहड़े सन वह भी मौजूद सन, जिन्हां दे विच जिथे सानू गुरु नानक पातशाह दे गुरपुरब की वधाई दी, जिथे उन्हूं आर्गनाइज़ करन वास्ते साडी सपोर्ट की, सानू कोऑपरेट किया, उहदे नाल नाल ही उन्होंने SOP जिहड़ी है उसकी भी सानू हदायतां जिहड़ियां सन उह कीतियां ने। और उन्हां हदायतां दे मुताबक डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी बड़े प्रोग्राम जोड़े सन। फॉर एग्जाम्पल कि असी कह सकते हाँ प्रभात फेरियां, जिहड़ियां कि बड़ी ही नौजवानों दे बहुत वड्डा चा बहुत वड्डा वलवला होया करता है कि नौजवान प्रभात फेरियां दे विच अमृत वेले उठ के घर घर जाके होका देंदे ने, गुरु नानक पातशाह दे पैगाम जिहड़ा है वह संगतां तक पहुँचाते हैं। इस बार SOP दे कारण वह प्रोग्राम साढ़े जिहड़े ने उन्होंने भी सानू जो है वह पोस्टपोन करना पिया, कैंसल करना पिया। 17 तरीक नूं
बहुत बड़ा नगर कीर्तन हर साल जड़ा है गुरु नानक पातशाह के पुरब के संबंध में गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के वो कढ़े जाते सन। वह भी असी सेंटर गौरमेंट की हिदायत अते साडे एल जी साहब की हिदायत के मुताबक अते डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट कमिश्नर पुंछ की मीटिंग के मुताबक उस प्रोग्राम नूं जिहड़ा है वो कैंसल किया गया है। श्री गुरु रामदास सेवा सोसायटी पुंछ गुरु नानक साहब के पवित्र जन्म दिहाड़े पर मैं आज सेंटर गौरमेंट को बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो उन्होंने कानून वापस लिए हैं। इसके साथ साथ मैं दूसरी मुबारकबाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खास करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जिन्होंने करतार कॉरिडोर खोला, क्योंकि करतार कॉरिडोर से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। वो खोल के लाखों करोड़ों जो करतारपुर कॉरिडोर हज़ारों नहीं करोड़ों जो हमारे रहने वाले हैं हिंदू मुस्लिम सिख उनका जो आस्था है करतारपुर कॉरिडोर के साथ जुड़ी हुई है। इस अज ते असी सारे विश्व विजनो मजहब मिलत गुरु नानक साहब के प्रकाश उत्सव की बधाई देते हाँ। उते ही अज मैं किसानों सब तो पहला कृषि कानून जेडे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस लिए हैं बधाई देता हाँ, अते नाल ही सेंट्रल सरकार नू भी खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जी नू भी मुबारकबाद देता हाँ कि अज 700-800 बंदा शहीद होने तो बाद अज जे कृषि कानून जोड़े हैं और वापस ले गए हैं। ठीक है, असं समझते हाँ कि बड़िया भारी मुश्किलात होंदिया ने किसी भी डिसीजन लैन वास्ते, लेकिन देर आए अते दुरुस्त आए, लेकिन किसानों मुबारक है जिन्होंने कि बड़े ढंग के नाल बड़े संजुदे ढंग के नाल गुरु नानक साहब के उस मिशन नू कायम रखते हुए सबो सांझी वाल सदाइन कोई ना दिशा बाहरा जियो कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इकट्ठे करके जिहड़े जिहड़े भी रिफॉर्म है सन फार्मर है सन उन्हें सारे ने मिलजुल के ये जिहड़ा एक्शन किया है। देखें आप, मैं आपको भी युवा ही समझूंगा, आपकी भी इतनी उम्र नहीं है। मैं कहता हूं कि आज की डेट में युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आप लोग जो है ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है कि आज युवा क्या कर रहा है। मैं कहता हूं मैक्सिमम जो युवा है आज का डिप्रेस होकर वो है जो है नशे की तरफ जा रहा है। लोगों लड़कों को प्लेटफॉर्म नहीं है, आप देखें जो यहाँ पे जितनी भी जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही हैं, और काफ़ी देर से जो है खासकर इस हुकूमत ने तो बड़ा ही गर्क में कहता हूँ कि कर दिया है खासकर युवाओं का। देखो रैबरे तालीम था, रैबरे खेल थी, जितने भी ये इस तरह लगे हुए थे बेचारे कुछ ना कुछ उनके घर पे और उनके जेब में कुछ ना कुछ जा रहा था, उनको भी निकाल दिया गया है। और कोविड में आज देखें तीसरी वेव भी जो है आ रही है, जम्मू में जो है नाइट कर्फ्यू लग गया, जिन बच्चों ने रात दिन मेहनत करके जब आए एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को छूने से डर रहा था, उन बच्चों ने जो है रात दिन एक करके जो की खिदमत की, आज उनको भी इस गवर्नमेंट ने जो है वो निकाल दिया गया है, निकाल दिया। मैं कहता हूँ बड़ी शर्म की बात है कि इस खासकर जब से भाजपा सरकार आई है पिछले 5-7 साल में जो युवा जो है वो बहुत ही दरबदर हो चुका है। मैं अपील करता हूँ कि खासकर हमारे नौजवानों पर तो नज़रसानी की जाए, ताकि नौजवान जो है वो फोर्थ पिलर है। अगर आपने इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है, मुल्क को आगे की तरफ ले जाना है, तो आपको युवा की तरफ जाना पड़ेगा, युवा की सपोर्ट करनी पड़ेगी, उनको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, उनको नौकरियां देनी पड़ेंगी, उनको इस तरफ ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म देने पड़ेंगे कि जिस तरह खाली यह नहीं है कि एक पढ़ाई की तरफ, एक क्रिकेट भी है। आज देखें आप जम्मू के हमारे जोरजोरी के दो लड़के गए हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। उसके अलावा इंडोर स्टेडियम्स होने चाहिए, उनके अलावा ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए कि जो यहाँ के युवा हैं वो ऑटोमोबाइल की तरफ जाएं, और जो इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए जिसकी तरफ जाके वो यहाँ का घर का रोज़गार चला सके, ताकि हमारे हिंदुस्तान को हमारे देश को मजबूत कर सके। आगे आपने उसी पर क्या किया, लुक डाल दी, उसी को खुदाई की, उसी पर लुक डाल दी। वहाँ आगे खोलने की ज़रूरत नहीं थी क्या, जहाँ जरूर थी वहाँ अपने रोड खोली कोई नहीं। जिस तरह से कश्मीर और जम्मू के अंदर बड़े नेता जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ रहे हैं, क्या नेता वीर पिचाल के ऊपर भी इस तरह का कोई असर पड़ेगा? भाई कोई बड़ा नेता नहीं छोड़ रहा, नेता कोई बड़ा और छोटा नहीं है, नेता वो है जिसके साथ लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई मामला है कि भाई यहाँ कोई अगर कोई नेता चला जाएगा तो पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। पार्टी एक मशीनरी है, मशीनरी में कोई एक कील को जंग लगता है उसको निकाल के
मशीन खुद ही उस कील को फिट कर देती है दूसरे कील को। जिस तरह से देवेंद्र राणा ने कहा कि जम्मू 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 के बारे में मैं कुछ करना चाहता हूं, तो क्या वो एनसी में रहकर जम्मू के लिए कुछ नहीं कर पाए? ये जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन जम्मू के लिए भाई उस तरह अगर आप कहोगे तो मैं, हमारा जो रजौरी पुंछ का इलाका है सबसे पिछड़ा हुआ है, फिर तो हमें नारा देना चाहिए क्योंकि जम्मू में तो बहुत तरक्की हुई है। जम्मू में अगर आप जब कंपेयर करेंगे पुंछ रजौरी से तो हम लोग तो स्टोन एज में जीते हैं। फिर जम्मू का जो एक खाली फ्लाईओवर का पैसा है ना, अगर वो पैसा रजौरी पुंछ को दिया जाता ना तो रजौरी पुंछ की तमाम सड़कें जो हैं वो कंप्लीट हो जाती। रैली हो रही है, जगराते हो रहे हैं, दशहरा लग रहा है, जब देखो उससे ज्यादा तो जनता है। ये हमको प्रॉब्लम होगी, हमको होगी, ट्रेन बस सबको प्रशासन सब सिस्टम में लड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लगता है कि मेला होना चाहिए था, है? लगता है कि मेला होना चाहिए था। मेला होना चाहिए था। मेला होना चाहिए था, यात्रा ना खोलते, जो यात्रा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तो भी है नहीं, कोरोने वाली कोई गलबात। बस में कितनी सवारी जा रही है, बस में मतलब यात्रु जेडे आ दे जा दे, आ एक साल दे उम्मीद ले बैठे रहे थे कि यात्रु रोगन लेना लगन, मेला अच्छा हो, सानू कोई प्रॉफिट हो, आही कोई पैसे मिलगन चार, लेकिन मतलब सरकार जेडी है मेला होन नहीं दे रही है, ठीक है। और जेडे मतलब लोग आ दे पुलिस वाले कन्ने कन्ने भेजी आ दे, उन्नी सानू कोई प्रॉफिट नहीं होआ दा, ठीक है। ये कन्ने ही है मतलब कि जनता जी बड़ी दुखी है, सराइया तो रोन नहीं दिया दे, मंदिर अंदर नहीं रोन दिया दे, पर जी लोग आ दे जाते अस ये चाहते कि मेला अच्छा होए, जनता रोए जियां पहले हुंदा आया, इयां मेला होया। देखो ना रैलियां निकलियां लोकें बाहर, हर काम होआ दा इत्थे, एक हर साल जो मतलब साल तो बाद मेला आता है, इस मेले की क्या दिक्कत है, मतलब करोना के बाहर कुछ भी नहीं है इत्थे। श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहे। सारे सीनियर लीडर जी है कि दूसरा जी साड़ी प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर थी, और अज दे कन्ने गुरु नानक जी दे भी जन्मदिन है, उदी भी मुबारक और ट्री दे मेले भी मुबारक। पहले की इंदिरा जी दे बारे जी दी, और उन्हें हिंदुस्तान की मजबूत कीता, ये बैंकिंग की उन्हें नेशनलाइज कीता 20, इसलिए हमें उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, उनकी कथनियों करनी में फर्क है। हम सभी ये याद रखें कि आज हमारे प्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस है, जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे देश इकट्ठा रहा, और उनकी परिवार की कुर्बानियां जो हम भूल नहीं सकते। आज जो कुछ भी हम इस परिवार की वजह से आए यहां पर, और हमें सभी साथियों आज की जरूरत जो है इस परिवार के पीछे खड़ा होने की जरूरत है, चाहे हमारी सोनिया गांधी जी हैं कांग्रेस के नेता, राहुल जी हमारे युवा नेता हैं, प्रियंका जी जो हमारी नेता हैं, हमें एकजुट होकर उनके पीछे खड़ा होना है, और इस देश की और जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता के लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़े हम कांग्रेस जनों इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब मैं गुजारिश करूंगा। देखिए न्यूज़ ब्रेकिंग देखने वाले सभी सामीन को मेरा प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, बात करते हैं कोविड 19 की, जो हर वक्त यानी कि पिछले दो साल से जिसने पूरे आलम में कमर तोड़ दिया है पूरे आलम का। और नाज़रीन, देखने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले कोविड ने फिर एक बार दस्तक दी है, काफ़ी तादाद में लोग जो है कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से उनको बार बार ये सलाह देते हैं कि मास्क स्वीयर करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, SOPs का खास ख्याल रखें, लेकिन लोग जो है काफ़ी गैर तरीके से वो SOPs फॉलो नहीं करती है। नाज़रीन, हालात जो है कोविड के वो बहुत खतरनाक तरीके से रुख अख्तियार कर लिया है कोविड ने, क्योंकि जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में बिना मास्क के लोग जाते हैं, या डॉक्टर साहिबान जो हैं वो हर बार हर टाइम लोगों को यही तलकीन करते हैं कि मास्क वेयर कीजिए, SOPs को फॉलो कीजिए, ताकि कोविड का जो ये जंग ये हम जीत पाएंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके से कोविड ने अपने लपेट में जिस तरीके से ले रहा है, काफ़ी चिंतित हालात जो हैं बने हुए हैं। नाज़रीन, जब हमने कई जगह पर कई मकाम पर हमने जब मायना किया तो वहाँ लोग बिना मास्क के चल रहे थे, ये एक दुखद खबर है जम्मू एंड कश्मीर से, क्योंकि अभी लोगों को चाहिए कि वो SOPs को फॉलो करें, और जो डॉक्टर साहिबान
वहाँ से नसीहत करते उन पर अमल किया जाए ताकि हमारे कश्मीर के जो लोग हैं वो बीमार ना पड़े। कैमरामैन उमर अफजल के साथ बांडीपुरा से मैं बशीर अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि जो कुरान मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तोहफे के अंदर दिया तो बाकी नबियों को जब उनकी किताबें दी तो फरमाया आप अपनी किताबों की खुद हिफाजत करना, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुरान मुक़द्दस जैसी नियामत अपनी उम्मत के लिए तोहफा दी तो फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, ऐ नबी तुम दुनिया के अंदर जाओ तुम्हारी इस किताब की मैं खुद हिफाजत करूँगा। हज़रात मोहतरम बवक़ार, ये बात जो मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ ये वसीम से रिलेटेड है, जो इस हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं और मुस्लिम लोग हैं उनसे रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि जो वो कुरान के बारे में बोल रहे हैं कि 26 आयात को मिटाया जाए, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और तमाम मुसलमान और अहले इस्लाम की तरफ से ये बात बताई जाए कि ऐसे शख्स को जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जो शख्स कुरान के ऊपर उंगली उठाए, और मुसलमान ही तबका नहीं बल्कि हर तबके का ये हक बनता है कि किसी भी मजाहिब के ऊपर जब कोई दूसरा बात करे तो उसकी भरपूर मजम्मत की जाए। और कुरान मुक़द्दस एक ऐसी किताब है कि जिससे हर मज़हब के लोग और हर तरीके का फ़िरका जो है इससे मुत्तफिक है। तो मैं आप हजरात से और पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक और लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह पे इस बात को फैलाया जाए और उन्हें बताया जाए और लोगों के जहन में ये बात बिठाई जाए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी खुद हिफाजत करेगा। अगर आप 26 आयात को मिटा रहे हैं तो अल्लाह की कसम 26 हाफिज़ पैदा हो रहे हैं, उनके सीनों से आप कुरान को कैसे मिटाएंगे। इसलिए मैं आपको ये बता दूँ कि ऐसे लोग जो कुरान के बारे में गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं और गलत बातें कर रहे हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और इनको फांसी होनी चाहिए। इसलिए कि जो कुरान की बात करे और दूसरे मजाहिब के ऊपर उंगलियां उठाए तो उसको दुनिया के अंदर रहने का कोई भी हक नहीं है। और बिलखसूस मैं हिंदुस्तानी जो इधर हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो इसके ऊपर ख़ास तौर के साथ तवज्जो दें और हमारी इस बात को दूर तक पहुँचाएँ कि हमारी इस बात को सुना जाए और इसके ऊपर भरपूर मजम्मत करें।